आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम कवर करेंगे कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि स्ट्रेटेजिक लीडरशिप क्या होता है और कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके बाद जो एग्जिस्टिंग मॉडल है बिजनेस का उसको हम देखेंगे और लास्ट में हम जानेंगे कि लेवल ऑफ स्ट्रेटेजीज क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से हम अपना आज का लेसन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होता है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट एक तरीके का कमिटमेंट होता है जो कि हम करते हैं जीतने के लिए हमारे कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट को, ठीक है। अब जानेंगे कि स्ट्रेटेजिक लीडरशिप क्या होता है। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप एक तरीके से मोस्ट एफिशिएंटली हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं जो भी हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उस प्रोसेस को, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं अचीव करने की कोशिश करते हैं, उसको इफेक्टिवली मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अब कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होता है। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होता है जो मेरे राइवल्स हैं, ठीक है, मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती हूँ एज कम्पेयर टू माई राइवल्स। तो मुझे वो चीज़ जाननी है और उससे ही क्या करना है, अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो चलिए फटाफट से एग्जिस्टिंग मॉडल देख लेते हैं इसका। एग्जिस्टिंग मॉडल के अंदर क्या है, सबसे पहले जब भी हम कोई बिजनेस बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले उस बिजनेस का हम देखते हैं मिशन, देन विजन, वैल्यूज एंड गोल्स। इन सब के ऊपर जो हमारा पार्ट थ्री होने वाला है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, उसके अंदर मैं ये तीनों चीजें डिस्कस करूंगी, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, जो नेक्स्ट लेसन होगा हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, उसके अंदर हम ये चारों चीजें डिस्कस करने वाले हैं। जब हमारी मिशन, विजन एंड वैल्यूज, गोल्स बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, हम उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से हैं, एक होता है हमारा एक्सटर्नल एनालिसिस, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर हमारे क्या हैं, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज आते हैं, ठीक है। जब भी हम एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं तब हमें थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है, और जब हम इंटरनल एनालिसिस करते हैं, इंटरनल एनालिसिस मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या है, हम जब उसके बारे में जानते हैं तब हमें क्या पता चलता है, हमारी स्ट्रेंथ्स और हमारी वीकनेस पता चलती है, ठीक है। तो ये हमारी जो थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये किस चीज़ का पार्ट है, ये हमारा SWOT स्ट्रेटेजिक चॉइस होती है, यानी कि हम SWOT एनालिसिस करते हैं जिससे हमें ये चारों चीजें पता चलती हैं, इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस के बारे में। इसके बाद हमारे इसके अंदर क्या होती हैं, तीन स्ट्रेटजीज होती हैं। कौन कौन सी हैं ये तीन स्ट्रेटजीज, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी एंड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। इन तीनों के बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जब हमारी ये तीनों होती हैं, इन तीनों के बाद क्या होता है, जो हमारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी भी हमारी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं ये तीन पार्ट्स, सबसे पहला हमारा आता है डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि हम डिजाइन करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर के वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम डिजाइन करते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, कि किस टाइप का वहाँ पे कल्चर होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए, ओके। फिर हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, यानी कि जब हमने वहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बना लिया, कल्चर हमने डेवलप कर लिया, उसके बाद वहाँ पे जो भी हमारी पिटफॉल्स आ रही हैं उसको हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये जो हमारी नीचे की आपको दिख रही है, डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, ये किसका पार्ट है, ये तीनों हमारे पार्ट हैं स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के, ओके, कि हम स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, ओके। उसके बाद ये जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस से लेकर हमारे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी तक, ये सारा हमारा किस चीज का पार्ट था, ये सारा हमारा पार्ट था स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का, ओके। तो फ्रेंड्स ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि लेवल्स क्या क्या होते हैं। हमारे तीन लेवल होते हैं, एक कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है, सेकंड बिजनेस लेवल होती है, और थर्ड हमारी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है। जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है वो उसके अंदर हमारे एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं, ठीक है, सीईओ हो गए हमारे, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं जो भी हायर लेवल के ऊपर होते हैं, ठीक है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, और हमारे जो
कॉर्पोरेट स्टाफ होता है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो और इसके अंदर क्या होते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सारे क्या कर सकते हैं, सारे अथॉरिटी होती है सबके पास किस चीज़ की, डिसीजन मेकिंग की। तो वो ऑर्गेनाइजेशन पे जितने भी हेड लेवल पे होते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, तो जितने भी हमारे हेड पर होंगे, ठीक है, अपर पोजीशन पे होंगे, उन सभी के पास एक राइट होगा, एक अथॉरिटी होगी। वो क्या अथॉरिटी होगी कि वो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ इसके रोल्स भी जान लेते हैं कि कॉर्पोरेट लेवल के रोल्स क्या होते हैं। सबसे पहला रोल होता है कि इन्हें सेट करना होता है कॉर्पोरेट का विजन, मिशन एंड गोल्स, जिनके बारे में मैंने जैसे अभी आपको बताया है कि हम नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वाली क्लास भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। इसी के साथ साथ वो बताते हैं कि बिजनेस क्या है हमारा और कैसा होना चाहिए, जो जो उसके अंदर रिसोर्सेज उनको रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में वो जानते हैं, ठीक है। और जो भी उनका बिजनेस है, जो भी उसके विजन मिशन हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज बिल्ड करते हैं और उन्हीं स्ट्रेटजीज को फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और वो प्रोवाइड करते हैं लीडरशिप किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। इसी तरीके से उनके जो मेजर वर्क होते हैं, जो हमारे दिमाग से रिलेटेड होते हैं, मतलब फिजिकल वर्क नहीं करते वो लोग, मेंटल वर्क उनका काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो वो इतने जो भी हमारे वर्क हैं वो सारे के सारे किससे रिलेटेड है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारी आती है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है, ये एक तरीके का वैल्यू प्रोवाइड करती है किसको, कस्टमर्स को, ताकि जो हमारे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हैं उसे हम गेन कर सकें और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बेटर हम परफॉर्म कर सकें, ठीक है। जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो भी हमारा अच्छा चल रहा है, जो भी हमारा हमारे कॉम्पिटिटर से बेटर है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उसी को प्रमोट करेंगे। जैसे कि हमारा डेटॉल सोप है, तो अगर आप किसी भी नॉर्मल किराने की शॉप पर जाते हो और वहाँ पे आप जाके बोलते हो कि मुझे एक डेटॉल चाहिए, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले लाकर आपको सोप पकड़ा देगा। क्यों? क्योंकि जो डेटॉल है उसने सबसे पहले क्या किया था, उसका जो फेमस प्रोडक्ट है वो क्या है, सोप ही है, ठीक है। जब तक आप उसको स्पेसिफाई नहीं करते हो कि मुझे हैंड वॉश चाहिए या मुझे डॉक्टर डेटॉल चाहिए, तब तक वो स्पेसिफिकली वो डेटॉल नहीं निकालेगा, ठीक है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी मार्केट शेयर जिसका ज़्यादा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट करोगे, जो आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब इसके रोल्स क्या होते हैं, इसके रोल्स भी जान लेते हैं। सबसे पहला रोल होता है कि इसको मीट करने होता है कस्टमर की नीड्स को, जो भी कस्टमर चाहता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर हम कस्टमर की नीड को फुलफिल करेंगे तो वो क्या करेगा, दूसरों के अंदर फैलाएगा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसी प्रोडक्ट को यूज़ करो, इसकी सर्विसेज भी मुझे बहुत अच्छी मिली थी, तो वो आगे आपकी बढ़ाई करेगा, ठीक है। अचीव एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स, और जाहिर सी बात है जब हम वर्ड ऑफ माउथ का यूज़ करते हैं, एक सेटिस्फाइड कस्टमर हमारे पास है, तो क्या होता है, हमें बाकी कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा एडवांटेज मिलती है, हमारा प्रोडक्ट अपने आप ही क्या होने लग जाता है, प्रमोट होने लग जाता है, अपने आप ही लोग उसको खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी है वो क्या करती है, अवॉइड करती है कॉम्पिटेटिव डिसएडवांटेजेस को, यानी कि जिससे मुझे नुकसान हो सकता है या जिससे मेरी कंपनी को कोई भी हामी हो सकती है, उससे बचाने की कोशिश करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी के अंदर जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो है सपोर्ट की। जो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी होती है वो सपोर्ट करती है किसको, ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजीज को। बिजनेस स्ट्रेटजीज में क्या क्या आता है हमारा, वही कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जो होती है हमारी, उनको ये सपोर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद वो कह रहा है दे स्पेल आउट एज टू हाउ फंक्शनल मैनेजर्स विल वर्क टू इंश्योर बेटर परफॉर्मेंस। अब वो क्या करता है कि जो भी मैनेजर्स हैं उनको वर्क प्रोवाइड कर देता है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, ठीक है, ताकि जो भी उनकी स्पेशलिटी है, ठीक है, उसको वो अच्छे से कर सके और जो उनकी परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके, ठीक है। इसलिए फंक्शनल एरियाज के अंदर जिसकी जो काबिलियत होती है उसके अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाता है, ताकि हमारी जो विजन है, जो हमारा मिशन है, उसे हम अच्छी तरीके से अचीव कर सके। अब इसके रोल्स जान लेते हैं। सबसे पहला आता है कि ये प्रोवाइड करता है डायरेक्शन किसको, फंक्शनल स्टाफ को, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि ये कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ को जो कि की जाती है डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में बिजनेस के,
ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल एरियाज कौन कौन से हैं हमारे, हमारे फंक्शनल एरियाज है मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, आरएनडी। तो ये जितने भी हमारे फंक्शंस हैं इनको कंट्रोल करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है आपस में, कि वो आपस में ढंग से काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसी से रिलेटेड जो है अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाती हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जाती हैं, ठीक है। और जैसे कि कोऑर्डिनेशन का मैंने बताया, तो जो भी चीज़ें आपकी कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल पे हैं उन दोनों को कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, फंक्शनल लेवल आपकी स्ट्रेटजी कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ समझ लेते हैं, अगर हम कॉर्पोरेट लेवल की बात कर रहे हैं तो वो कौन से क्वेश्चन का आंसर करता है, वाई, यानी कि कोई भी चीज़ हमें करनी है तो वो क्यों करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं व्हाट, व्हाट यानी कि हमें क्या करना है, ठीक है, क्या करना है। उसके बाद हमारा आता है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी के अंदर हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हाउ, यानी कि हमें वो चीज कैसे करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का लेसन इतना ही था, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट लेसन के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, विजन, मिशन, गोल्स, वैल्यूज हम करने वाले हैं, और ये मेरे कुछ लिंक्स हैं, इनके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जहाँ कंफर्टेबल हो आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।